ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे तत्प्रायेषु अवस्थेषु नित्यं भगवत्सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्ति नैष्ठ की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 13। अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 13। तत्रैकं जगत् कृत्स्नम् तत्र अनेकधा अपश्यात् शरीरे पांडवः तथा शरीरे पांडवा तत्रैकस्तं तत्र अनेकधा अपश्यत् अपि शरीरे पांडवः तथा शरीरे पाण्डवा तत्र एकस्तं जगत् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य अपेक्षत शरीरे पांडवा तथा शरीरे अनुवाद पांडव। और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उस समय अर्जुन समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित एक हजारों भागों में विभक्त भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांड के अंशों को देख सका। अनंत अंशों को देख तात्पर्य। सका। तत्र वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी से बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। ओम ज्ञान तीरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्विषये नमः। चैतन्यमनो स्थापितं येन सुप्रसिद्धं रूपकदामहियं ददाति स्मरणप्रभां। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पद्कमलं श्रीगुरुवैष्णवाश्च
विरूपं साजजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सत्तं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणदिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत गोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीतये पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुरेव च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवद गीता की क्लास में। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 11 जिसका नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या 13 कृष्ण प्रभु दंडत नाम तत्रिकस्थम जगत कृष्णम प्रभु भक्तम अनेकदा अपश्यत्येव देवस्य शरीरे पांडवात। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो आज जो हमारा अगला श्लोक है, जैसे कि हमने पिछले कल श्लोक में पढ़ा था, 12 नंबर श्लोक में भी हमने कल पढ़ा, जहां पर देखते हैं पिछले श्लोक में कि वहां पर संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि कृष्ण के विश्व रूप का जो है प्रकाश कैसा है, हजारों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक है। पिछले कल का श्लोक था, वहां पर हमने पढ़ा था कि जब संजय ने कहा था भगवान कृष्ण से, सॉरी धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र से संजय कहता है कि भगवान के जो विश्व का प्रकाश क्या है, हजारों सूर्य से भी अधिक है। प्रश्न यहां उठता ये है कि अगर विश्व रूप का जो है प्रकाश है हजारों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक है या था, तो फिर बात ये उठती है तो अर्जुन ने कैसे देखा उसको, जब इतना प्रकाश है और देखा तो क्या देखा, इतना तेज अगर हो, इतना प्रकाश अगर हो तो यथार्थ में हर चीज को हम नहीं देख सकते, हर चीज क्लियर नहीं देखते, आंखें चुंधिया जाती हैं। तो अर्जुन ने क्या देखा उसको, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो संजय ने जो कहा होगा धृतराष्ट्र से, और साथ ही साथ धृतराष्ट्र की जो जिज्ञासा थी उसका आंसर मिला संजय के माध्यम से। तो इस श्लोक में अब संजय बताते हैं धृतराष्ट्र से कि अर्जुन ने क्या देखा, क्या बताते हैं अर्जुन धृतराष्ट्र से यहाँ संजय कि अर्जुन ने एक ही स्थान पर, लिखा है ना यहाँ पर कि एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा, मतलब संपूर्ण जगत को देखा। यहाँ कहने की बात है संपूर्ण जगत की बात हो रही है। तो यहां पर शुरुआत में कहा गया है तत्र एकस्थम,
तत्व एक स्तंभ शब्द इस्तेमाल करके संजी शुरुआत करते हैं, मतलब कि एक वहां पर क्या किया तत्र, मतलब वहां पर एक स्तंभ तो एकत्र या एक स्थान में, मतलब कि वहां एक ही स्थान में, एक ही स्थान में कहीं अर्जुन कहीं और नहीं गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते तत्र वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहां शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व गुरु को देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों पर दोनों ही रथ पर थे, युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। संजय देख पाया, संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र सुन पाया, पर और नहीं देख पाया, इसका मतलब ये हुआ ना और नहीं देख पाया जितने लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि कृष्ण केवल अर्जुन को ही दृष्टि प्रदान की थी। कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका, तो अर्जुन एक ही स्थान पर खड़े खड़े हजारों लोगों को देख लिया, एक लोग की बात करें ब्रह्मांड में लोग हैं, सब 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 के सब अर्जुन देख सका एक ही स्थान पर खड़े खड़े, सिर्फ रथ के ऊपर बैठे बैठे देखा। तो साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अर्जुन ये नहीं जान पाया कि कृष्ण के बीच में चल के रहा है, ये सब हो के रहा है, अर्जुन कंफ्यूज था कुछ देर, तो अचानक इतना चीज देख लेता कोई, अब वो चीज देखी थी जो आज तक ना कभी दिखाई गई थी ना देखी गई है या ना दिखाई जाएगी कभी, शुद्ध हक के लिए भगवान की कृपा है। तो एक स्तंभ शब्द इस्तेमाल करके कहते हैं जगत कृष्णम, जगत मतलब ब्रह्मांड, कृष्णम का मतलब होता है संपूर्ण, यहां पर संपूर्ण जगत देख सका अर्जुन, तो एक ही स्थान पर अर्जुन खड़े खड़े पूरे के पूरे क्या किया उसने विश्व को देख सका, संपूर्ण जगत को देख सका। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है श्लोक से कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण के विश्व रूप में संपूर्ण विश्व इस प्रकार फैला हुआ है कि विश्व रूप में कोई जगह ही ना बची, ऐसा भी नहीं, ऐसा हो सकता ऐसा नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे कह सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप पूरा का पूरा खाली था, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि विश्व रूप के किसी एक छोटे से स्थान में कोने में ये संपूर्ण जगत स्थित है। बहुत बड़ा विश्व है पर है भी क्या है, भगवान के शरीर में छोटा सा हिस्सा, हमारा ये भौतिक संसार ही जो है आध्यात्मिक शक्ति का, भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का एक छोटा हिस्सा भी नहीं, एक छोटा हिस्सा है, इतना छोटा है आध्यात्मिक जगत, इतना विशाल इतना बड़ा है आध्यात्मिक जगत। आगे यहाँ पर और कहते हैं साथ में, तो उसके बाद कहा प्रभिभक्तम अनेक रहा, प्रभिभक्तम मतलब विभाजित, अनेक रहा मतलब अनेक, इससे पता क्या चलता है कि अनेक प्रकार से विभक्त यानी विभाजित, मतलब इसका क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण के विश्व रूप के एक छोटे से संस्थान में एक छोटी सी जगह पर संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड क्या है कई प्रकार से विभक्त है, अनेक प्रकार से विभक्त है कई हिस्से। हम पढ़ेंगे भागवत के पांच स्कंद में, जब भागवत आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आता है भागवत वर्णन आता है पांच स्कंद में, इसको ऐसे समझ सकते हैं इस बात को कि अर्जुन ने सबसे पहले क्या देखा विश्व पर क्या देखा, तो अर्जुन ने सबसे पहले कृष्ण के शरीर में वो स्थान देखा जहां कृष्ण के साथ वो खड़े, तो अपने आप को देखा। फिर अर्जुन उसके बाद भारतवर्ष को देखता है, भारतवर्ष के बाद अर्जुन जो है जम्बूद्वीप में देखता है, पूरा वर्णन भागवत में इसका कैसा विस्तार से बताया गया है, भारतवर्ष भारत के बाद जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भी 9 वर्ष है, और वहां वर्णन है भागवत के अंदर की हर द्वीप की लंबाई कितनी है, सॉरी हर वर्ष की लंबाई कितनी है, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है 9 वर्ष है, 9
वर्ष में से एक वर्ष भारत वर्ष, और हर वर्ष की जो है लंबाई बताई गई है कितना बड़ा जम्मू की के अंदर जो वर्ष है, तो हर जो वर्ष की लंबाई बताई गई है 108,000 किलोमीटर एरिया। हाँ भागवत में हर चीज का वर्णन है और इतनी बारीकी से वर्णन है कि आप कहीं मिले। जम्बू द्वीप का जो बताया गया है आकार बताया गया है, विस्तार जो बताया गया 12 लाख किलोमीटर है, 12 लाख किलोमीटर, और जिसकी ऊंचाई ही बताया गया है 10,08,000 किलोमीटर, पूरा वर्णन है भागवत के अंदर। और तो इतना तक कहा गया है कि जम्बू द्वीप पर सोने का बना हुआ है, सोने से स्वर्ण ही, और उसका लवण समुद्र से घिरा हुआ, उसके चारों तरफ लवण समुद्र है। तो ऐसे बड़ा डिटेल्स वर्णन चीजों के बारे में, कैसे उसके इर्द गिर्द समुद्र है, उनके नाम क्या है। तो अर्जुन सब कुछ देख पा रहा है, तो अर्जुन ही पूरे 7 द्वीप देखे, 7 समुद्र देखे, फिर उसके बाद उन 7 द्वीपों और 7 समुद्रों को घेरने वाले जो लोकालोक पर्वत है वो देखा अर्जुन ने। फिर अर्जुन ने देखा कि सूर्य लोक पृथ्वी से 12 लाख किलोमीटर ऊपर है, सूर्य जो है पृथ्वी से 12 लाख किलोमीटर ऊंचा है भागवत में लिखा हुआ है। फिर सूर्य से जो है बताया गया है 4,56,00,000 किलोमीटर ऊपर ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक से भी ऊपर बताया गया है, आगे मेहर लोक है, मेहर लोक से भी ऊपर फिर बताया गया ऐसे ऊपर जन लोक है, ऐसे पूरा वर्णन है, महर लोक, जन लोक, तप लोक, इस सारा सारा वर्णन है। इसके बाद तप लोक के ऊपर ब्रह्म लोक है, इस सारे के सारे लोकों का वर्णन है, और एक एक किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, पूरा किलोमीटर बताए गए हैं भागवतम के अंदर। मैंने चार्ट बनाया था उसके पहले भी, इतने किलोमीटर क्या है लिखा हुआ है, कौन से द्वीप से कितनी दूरी कहाँ पे। तो जो सूर्य लोक है, सूर्य लोक से जो है ध्रुव लोक की दूरी बताएगी 4,56,00,000 किलोमीटर, 4,56,00,000, 4,56,00,000 में क्या इस तरह शुरू होता है। जब ध्रुव लोक होता है, ध्रुव लोक से ऊपर हम जाएंगे देखेंगे, तो ध्रुव लोक से ऊपर महर लोक है, और ध्रुव लोक और महर लोक से बीच की दूरी जो बताएगी 1,00,00,000 किलोमीटर, ध्रुव लोक और महर लोक के बीच। और जो महर लोक से ऊपर जन लोक है, महर लोक से ऊपर जन लोक, तो महर लोक से जन लोक तक की दूरी है 2,00,00,000 किलोमीटर, और जन लोक से ऊपर जाओगे तो तप लोक है, और जन लोक से तप लोक के बीच की दूरी है 8,00,00,000 किलोमीटर, और जो तप लोक से फिर ब्रह्म लोक आता है, तप लोक और ब्रह्म लोक के बीच की दूरी है 12,00,00,000 किलोमीटर, और उस ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। फिर अर्जुन ने पृथ्वी के नीचे जो है लोक है, निमन लोक है, वो भी देखे, ऊपर के लोक तो देख लिए, अब नीचे के लोगों को देखता है अर्जुन। पृथ्वी के नीचे वर्णन है कितना है, पृथ्वी के नीचे बताया गया है 8,40,000 किलोमीटर दूरी पर नीचे के लोक है, जिनके नाम के हैं अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और पाताल है, ये नीचे के लोग हैं सारे। और इनके भी नीचे जब ये 7 लोक हैं, तो 7 लोगों के भी नीचे बताया गया है 3,60,000 किलोमीटर नीचे क्या है, अर्जुन ने देखा शेषनाग, उस शेषनाग उससे नीचे, पाताल से भी नीचे, उनके दर्शन किए, गर्भ समुद्र देखा, उसका गर्भ समुद्र है, गर्भ समुद्र के ऊपर पृथ्वी तैर, तो गर्भ समुद्र देखा अर्जुन ने, क्योंकि तो अर्जुन ने विश्व रूप के अंदर एक छोटे से हिस्से में ही अर्जुन ने इसको देख लिया। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पर भगवान के सामने क्या है, अब देखते जब विष्णु महाविष्णु जब लेते हैं उनके रोम चित्रों से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, छोटे से होते हैं, आगे के संजय कहता उसके बाद अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडव तदा, एक साथ लाइन इसका पर मतलब बनता है इसका। तो यहां पर कहता है संजय कहते हैं यहां पर कि ये सब कुछ अर्जुन ने देव देव लिखा है, देव 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 देवस्य
भगवान यानी कृष्ण के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। शरीरे, फिर यहाँ शब्द आया शरीर। अब जो निराकार का शरीर कैसे हो सकता है? जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है ना, ये श्लोक का कुछ शब्द जो है याद ना कर सको तो लिख सकते हैं, अगर याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, श्लोक लिखे भी जा सकते हैं कि हाँ भाई ये श्लोक इससे मिलता जुलता है, इस श्लोक को हम याद करेंगे या इस श्लोक को हम लिख लेंगे, कभी हमें लगता है कि किसी को बताना पड़े। कितने श्लोक पहले हम चर्चा करी थी इसके बारे में जहां भी भगवान के शरीर का वर्णन हुआ है, किसी को याद है? इतना तो पता हो श्लोक क्या नाम कोई है क्लास में? मैंने कहा कि यहाँ पर शरीर शब्द इस्तेमाल हुआ है, हमने कुछ दिन पहले चर्चा करी वहां भी भगवान के शरीर का वर्णन हुआ था। जी, हाँ उनके चरण बिंदु हो गए प्रभु जी, मुखार बिंदु हो गए। एक तो सातवां श्लोक है जिसमें वो कह रहे हैं भगवान की तुम जो भी देखना चाहो। बिल्कुल सही कहा आपने माता जी, हमने सातवें श्लोक में चर्चा की थी, वहां पर भी बात हुई थी। सातवें श्लोक में क्या शब्द उसके? मम देहे गुड़ाकेश, मेरा देह कृष्ण कहते हैं। अब संजय कहता है यहाँ पर अपशब्द देव देवस्य शरीरे, भगवान का शरीर, तो यहाँ भी भगवान के शरीर की बात हो रही है, भगवान के शरीर की यहाँ भी बात हो रही है। तो यहाँ पर मतलब कि कहने का ये है, संजय ने क्या कहा यहाँ पर कि सब कुछ क्या किया अर्जुन ने, देव देव कृष्ण के शरीर में देखा है। तो अर्जुन को कल्पना नहीं कर रहे हैं, अर्जुन ने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, अर्जुन कल्पना नहीं कर रहा, अर्जुन देख रहा है। कल्पना करना और देखने मंत्र होता है, आपको कहा जाए कल्पना करो आप अमेरिका में हो कल्पना करना और रियलिटी में जाना अंतर है दोनों। कल्पना करो कि आप ये खा रहे हो गुलाब जामुन खा रहे हो, कल्पना करना और खाना अलग बात, कल्पना करके आप उसका टेस्ट का अनुभव कर पाओ, उसकी अनुभूति नहीं कर पाओगे। तो अर्जुन कल्पना नहीं कर रहा है, अर्जुन देख रहा है, तो कृष्ण ने अर्जुन को आंखें दी, नेत्र दिए दिव्य देखा, और उन नेत्रों के जलते अर्जुन जो है सब कुछ देख पा रहा है, सब कुछ जो इंसान नहीं देख सकता देख भी पा रहा है, प्लस साथ ही साथ एक 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 चीज के बारे में जान भी रहा है। देखना और जानना अंतर होता है, हम देख लिए याद है कुछ नहीं जी, अर्जुन सब पता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से कुछ दूरी के बाद नहीं देख सकते, हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है हमारी आंखों की, ना हम देख सकते हैं ना गणना कर सकते हैं कि हाँ इतना कैलकुलेट करेंगे। देखो भागवत में इतना डिटेल में वर्णन दिया है, हर ग्रह की दूरी कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है, कितने दायरे में फैला हुआ है, कौन कौन से समुद्र हैं, उनमें क्या है, इतना डिटेल में वर्णन है भागवत में, और आदमी सब देख पा रहा है, वो देख पाने का समझ ही पा रहा है, उसकी गणना भी कर पा रहा है, ये सिर्फ भगवान की कृपा से हो पा रहा है। यहाँ पर भगवान कृष्ण बता नहीं रहे थे कि अर्जुन को उनके विश्व पर क्या देखना है, भगवान ये नहीं कह रहे अर्जुन मन ही मन में विचार करो कल्पना करो तुम अभी जो हो जम्बूद्वीप का, जम्बूद्वीप को देख रहे हो, 12 द्वीपों को देख रहे हो, 7 समुद्रों को देख रहे हो, कल्पना नहीं करने को कह रहे हैं, मन में विचार लाने को नहीं कह रहे, ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने साक्षात देखा उसको, पर अर्जुन कहता भी उसके बाद अर्जुन कहा भी अर्जुन मैंने क्या देखा, अपनी बात एक्सेप्ट कर रहा है। तो अर्जुन के देखने के साथ साथ संजय ने ये सारी बातें देखी हैं, सारी बातें सुनी हैं, और ये सब जो अर्जुन देख पा रहा वैसे ही संजय देख पा रहा है सब। ये जब संजय इतना डिटेल में बता रहा है तो इसके बाद संजय देख भी पा रहा है, क्योंकि जब कृष्ण के अंदर अर्जुन देख रहे हैं तो बात भी कर रहे होंगे शायद, अर्जुन की बातें सुनाई भी दे रही हैं, शारम बातें तो हो नहीं रही हैं, अर्जुन क्वेश्चन पूछता है भगवान आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब साथ साथ ये भी देखते हैं
कि संजय यहाँ पर कृष्ण के लिए देव देव शब्द इस्तेमाल, देव देव, देव देव का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो देवताओं के लिए भी पूजित है, पूज्य है, उसे कहते हैं देव देव। देव देवताओं को जो देव देव, देवताओं का भी पूज्य है वो है देव देव। कृष्ण देवताओं के भी पूजनीय है, तो देवता उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। ब्रह्म व्यवर्थ प्राण वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत उनकी दसवें स्कंद वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो सारे के सारे देवी देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा शिव जी इंद्र चंद्र वरुण सारे के सारे देवता आए थे, ऋषि मुनि आए, उन्होंने स्तुति करी भगवान की, स्तुति करी, बहुत स्तुति करी उन्होंने। वो कहते हैं कि आप ही संसार की उत्पत्ति के कारण हो, आप ही विनाश करने वाले हो। सच में उत्पत्ति करने वाले हम कोई कहेगा ये तो ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करना, शिव जी का काम विनाश करना, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये नहीं। इनको काम सौंपा गया, ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, कोई भी देवी देवता, सब भगवान कृष्ण के आदेश से काम करते हैं। कहते आप ही उत्पत्ति के कारण हो, आप ही विनाश के कारण हो, ना आपका आदि है ना अनंत है, आप अविनाशी, निष्पाप है, सगुण है, सगुण भी है निर्गुण भी है। कोई कहता है भगवान सिर्फ साकार ही है, निराकार नहीं है, तो गलत है। कोई कहे निराकार ही है साकार नहीं है, तो गलत है, क्योंकि तो निराकार जो है भगवान का क्या है, तेज है। जैसे बल्ब क्या है, आकार है, और बल्ब का प्रकाश क्या, निराकार, बल्ब प्रकाश होगा ही, भौतिक जगत पर थोड़ा लाइट की तो फ्यूज हो जाते हैं, लाइट चली जाती है, बंद हो जाते हैं। भगवान का शरीर इतना तेजोमय है तो इसलिए उनका शरीर देह, देह शब्द इस्तेमाल किया या शरीर इस्तेमाल किया है। तो 7.24 में देखिए आप, 11.7 में देखिए आप, फिर 11.13 में देखिए आप, फिर 12.5 में देखिए आप, इतना कई श्लोक हैं इसे जो कि ये साबित करते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, साबित कर। तो भगवान साकार भी है निराकार भी है, साकार उनका शरीर है और निराकार उनके शरीर का प्रकाश है, भगवान तेजोमय है, उनके शरीर का जो प्रकाश दिखता है वो है निराकार। तो हम इन बातों को लोगों को बता सकते हैं, लोग तर्क करते हैं, कुतर्क नहीं करते, कुतर्क करते हैं। तर्क तो करने वाला इंसान सीख भी देता है, जो कुतर्क करता कोई नहीं सीख पाता, सीखने की इच्छा होती नहीं, वो तो आया ही टाइम पास करने है। बड़ी स्तुतियां करी, बहुत लंबा वर्णन है करने लगे, मतलब यहाँ पे हर एक बारे में गुणगान करते हैं, हर एक चीज का गुणगान करते हैं देवी देवता भगवान का। तो उसका मतलब ये हुआ कि देव देवस्य, यहाँ पे देव देव शब्द इस्तेमाल किया है, देव देवस्य शरीरे पांडवागता, पांडवा यहाँ अर्जुन के लिए कहा गया, तो अर्जुन सामने है, अर्जुन पांडव पुत्र, तो पांडव अर्जुन को कहा जाएगा, सारे पांडवों को पांडव कहा जाता है, पांडु के पुत्र हैं इसलिए। तो भगवान यहाँ पे मृत्यु की मृत्यु भगवान ही, हर चीज की भगवान ही, हर चीज भगवान। तो यहाँ पर संजय सब कुछ देख पा रहा है यहाँ, और ये बातें सारी जो है धृतराष्ट्र का, कि सारे देवता को देव देवस से कह के बता रहे हैं, देव देवस सबके पूजनीय, सबके वंदनीय है ये, और इसका प्रमाण भागवत में इसलिए दिया गया है, सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बारम्बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं, देवताओं की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, आंसू रो रहे हैं प्रेम भावना, और फिर सारे सारे देवी देवता भगवान को वर्षा भी करी भागवत वर्णन है। इसीलिए संजय यहाँ पर देव देव से शब्द इस्तेमाल करता है, देव 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 से शब्द इस्तेमाल करता है, ये कारण संजय का यहाँ पर देव देव से कहने का। तो शिव जी कर रहे हैं, ब्रह्मा कर रहे हैं, इंद्र कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, और एक बार नहीं कई कई बार करते हैं। जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, ब्रह्मा जी जब बच्चों का अपहरण करते हैं, बछड़ों को चुरा लेते हैं, तब भी ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। जब इंद्र की पूजा बंद करवाते हैं भगवान, ये साबित करते हैं कि देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं करनी चाहिए, उस टाइम भी हम देखते हैं इंद्र फिर बाद में गुणगान करता है भगवान का, पहले रोष में आता है, गुस्सा आता है, पूजा बंद करवा दी, युगो युगांतर से चली आ रही है, पीढ़ी तो पीढ़ी से पूजा करते आ रहे हैं, पूजा क्यों बंद करवा दी, बड़ा गुस्सा हुआ इंद्र को शुरुआत में, पर देखा गलत आदमी से बंदा लिया है,
पूजा बंद करवाने वाला है कौन? साक्षात कृष्ण है। तो बाद में वो भी बदल गए, तो उन्होंने भी वंदना करी, स्तुति करी, सुरभि मैया को आगे यानी गाय सुरभि थी उसको आगे करके उन्होंने पूजा करवाई, अभिषेक करवाया। तो ये सारी स्तुतियां सिद्ध करती हैं, सारे शास्त्र सिद्ध करते हैं कृष्ण क्या है, परम भगवान है। ये सारे शास्त्र सिद्ध करते हैं। शिवजी भी कहते हैं पार्वती से आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधना पर, पार्वती आराधना तो विष्णु की होती है, परम भक्ति उन्हीं की होती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो सारे शास्त्र यही बात है, कृष्ण बार बार ये बात कहते हैं, मन मना मन तो मत नमस्कार, बार 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 कृष्ण ये बातें कहते हैं। और यही श्लोक गीता में 8 दो बार कह दी कृष्ण, मन मना मन दो बार कहने की जरूरत क्या थी कृष्ण को, एक बार में काम चल सकता था, क्योंकि हमें बार बार रिमाइंड करना पड़ता है। हमारी स्थिति ये है, हम एक बार बोलने से हम जल्दी सीखते नहीं, हम जल्दी सीखते हैं। इसलिए कृष्ण 9वें अध्याय में बात कही थी, 9वें अध्याय के 34वें में कह दिया मन मना मत भक्तो, अब बाद में फिर मन नहीं माना फिर दोबारा कह दिया 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक फिर कह दिया मन मना मत भक्तो कृष्ण कि मेरे ही भक्त बनो, दो बार श्लोक रिपीट किया कृष्ण ने, बात मेरे भक्त मन मना मत भक्तो नमस्कार, मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, कृष्ण ये नहीं करे किसी और को। कभी ऐसा होता है खाने को मांगो मुझे खाने को दो और फिर कहो उसका आप अनुवाद करो, मैंने खाने को मांगा पर मैंने अपने लिए नहीं मांगा, मैं खा थोड़ी ना सकता हूँ, आप कहें मुझे खाने को दो तो कि आपको खाना है ना, और फिर आपके बारे में कोई टिप्पणी करता है, फिर आपकी बात को एक्सप्लेन करता है कोई, माना कोई ट्रांसलेटर आ जाए है, वो कहे कि आपके बारे में कि इन्होंने खाना मांगा है तो समझिए किसी और के लिए मांग रहे, ये नहीं खा रहे, वो कह रहे मेरे पावन छू, कृष्ण कह रहे मेरी भक्ति करो। तो ट्रांसलेटर कहते हैं वो परमात्मा की बात कर रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में बात नहीं कर रहे, अपने बारे में बात नहीं कर रहे, पर कृष्ण अपने बारे ही बात कर रहे, मन मना मत वासुदेव सर्वमिति, हर जगह कृष्ण अपने बारे में बात कर रहे। मता परत्रम नन्यत किंचित अस्ति धनंजयमयि सर्व इदम् सुप्रीमणे गणैव, अर्जुन ये कृष्ण ये भी कहते हैं सब कुछ मैं हूँ, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, कैसे जैसे धागे में मोती गुथे होते हैं, धागा मैं हूँ कृष्ण, धागा मैं हूँ। तो देव देवस्य का मतलब तो कृष्ण परम भगवान, कृष्ण परम भगवान है तो शास्त्री बात सिद्ध करते हैं, ये श्लोक सारी बातें सिद्ध करते हैं। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। हर जगह कृष्ण ने गीता कई जगह शब्द इस्तेमाल किए हैं, कई जगह पर मत चित्त कृष्ण कहते हैं मेरे में चित्त लगाओ, मत कर्मा मेरे लिए कर्म करो, मता परत्रम नन्यत मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मत प्रसादात कहते हैं सब कृष्ण कहते हैं, मत स्थानी मत अनुग्रहाय, गीता कितने श्लोक हैं कृष्ण अपने बारे में कहते हैं। इसलिए ये सारे के सारे श्लोक सिद्ध करते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये आज के श्लोक में यही देखते हैं हम लोग, संजय जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति व्यासपाद का शिष्य, व्यासपाद तो कहते हैं संजय भी कह रहे हैं आज हमें देव देवस्य परम देव है परम भगवान है उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण के शरीर में आज पूरे अनंत विश्व को देखा है, उसके दर्शन कर लिए, तो ऐसे कृष्ण की महिमा है, सब कुछ कृष्ण के अंदर है, जब तो कृष्ण के अंदर सब कुछ है, कृष्ण ही परम भगवान हुए तो हमारा फर्ज क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो भक्ति क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये है भक्ति कलयुग, इसके अलावा भक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है, यही साधन है इसी को हमें अपना, यही साधन ही साध्य, हरिनाम ही साधन है, हरिनाम ही साध्य है, हमें हरिनाम को ही जपना है और हरिनाम को ही पाना है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो आज का श्लोक यहीं तक था, हरे कृष्ण।